मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से राजधानी पटना में नगर भ्रमण के लिए निकले हैं। और देखिए, अभी सीधे तौर पर हम आपको तस्वीर जो दिखा रहे हैं, ये तस्वीर है जीपीओ गोलंबर के ऊपर पुल की। और यहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रीडेवलपमेंट जो यहाँ का प्रोजेक्ट चलेगा उसको देखने के लिए एक बार फिर से पटना की सड़कों पर हैं। दिखाते हैं आपको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस वक्त कहाँ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देखिए इस वक्त जीपीओ पुल के ठीक ऊपर हैं और यहाँ पर वो सीधे तौर पर जो है निरीक्षण करेंगे। और जो ये आप एरिया देख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कूड़े फेंके जाते थे और कूड़े फेंकने के बाद इसे पूरी तौर पर साफ़ करवाया गया है और यहाँ पर मल्टीप्लेक्स बनने की बात हो रही है। तो लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भ्रमण पर हैं। और देखिए, ये सीधे तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पुल के ऊपर हैं और निरीक्षण कर रहे हैं, क्योंकि लगातार पटना को स्मार्ट सिटी जब बनाया गया था उसके बाद से तमाम चीज़ों को लेकर के बातें की गई थी। और आज जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद पटना की सड़कों पर निकले थे, कल ही वो देखिए पटना में थे और उन्होंने जायज़ा लिया था कि हालात क्या हैं लॉकडाउन को लेकर के, क्या अनलॉक्स को लेकर के, और उसके बाद उन्होंने तुरंत ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी थी कि पटना के लोग अभी सतर्क नहीं है, उन्हें इस वक्त ज़रूरी है कि वो मास्क लगाएं, दो गज़ दूरी का पालन करें। लेकिन उसके बाद देखिए एक बार फिर से आज पटना में नीतीश कुमार पटना की सड़कों पर किस तरह से जो है जीपीओ गोलंबर के ठीक ऊपर जो पुल है वहां पर निरीक्षण कर रहे हैं। और हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं लाइव तस्वीरें हैं जो मुखिया नीतीश कुमार मल्टीप्लेक्स और जो रीडेवलपमेंट की बात की गई है पटना के अंदर वहाँ पर बातें होंगी। देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहीं पर जो है निरीक्षण करेंगे और समझेंगे कि आखिर क्या क्या किन किन चीज़ों को लेकर के बातें हुई हैं। ये देखिए तमाम तस्वीरें हैं किस तरह से जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद यहां मौजूद हैं और यहां पर समझाया जा रहा है क्या कुछ बनाया जाएगा। क्योंकि तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार पटना की सड़कों पर है, नगर भ्रमण कर रहे हैं और जायजा ले रहे हैं, चूँकि ये जो एरिया है इसको यहाँ पर बनाने की बात की गई है और जो मल्टीप्लेक्स बनाने की बात की गई उसको लेकर के जो भवन निर्माण के लोग हैं वो मुख्यमंत्री को समझा रहे हैं। हम खुद देखिए पटना की सड़कों पर लाइव तस्वीरें, सीधे तौर पर राजधानी पटना के वो तमाम इलाकों का नगर भ्रमण किया है मुख्यमंत्री ने। कल भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना की सड़कों पर थे और कोरोना का जायजा लेने के लिए निकले थे। और आज एक बार फिर से देखिए जो क्या रीडेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट है पटना में, क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है, इन तमाम चीज़ों को लेकर के मुख्यमंत्री इस वक्त जीपीओ गोलंबर के ऊपर जो पुल है उसके ऊपर हैं और सीधे तौर पर ये वहाँ पर भवन निर्माण के विभाग के जो लोग हैं उनसे समझ रहे हैं कि आखिर क्या क्या डेवलपमेंट की जो बात की गई थी पटना के अंदर वो कहाँ तक हो पाया है। तमाम तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखाते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या क्या देख रहे हैं। अन्य चीज़ों का दिन भर के लिए लिमिटेड जो इंतजाम किया है, बहुत तरह की सुविधाएँ दे रहे हैं, अगर इसको अभी कुछ दिन और तक ठीक से इसको मान करके लोग चलेंगे तो लोगों के हित में। तो इसी के लिए हमको एक दिन देखना था कि 9 तारीख से शुरू हुआ, कल देख लिए, एक आध दिन और हम देखेंगे, क्योंकि अभी तो एक सप्ताह के लिए किया है, अब इसके बाद भी जो आगे करेंगे तो उसके लिए भी देखना बहुत ज़रूरी है। और हर जगह के लोगों से बातचीत होती है, DMs वगैरह सब रिपोर्ट देते हैं, फिर डिटेल डिस्कशन होता है, उसके बाद तय होता है कि भाई क्या करना चाहिए। तो अभी तो हम लोगों ने किया, देखिए लॉकडाउन का बहुत फ़ायदा हुआ, अब हमको पूरा भरोसा है कि लॉकडाउन को तो समाप्त किया है लेकिन कई तरह की व्यवस्था कर रहे हैं लोगों के लिए और कई तरह के लिमिटेशन भी किए गए हैं। इसको देखते हुए अभी बहुत जरूरी है, अभी आगे के कुछ समय के लिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी, इसलिए देख लिया। और आज चूँकि कहा कि भाई सुबह में ही हम लोग 8 बजे निकल करके दो जगह देख लेंगे, क्योंकि इन लोगों को फाइनलाइज करना और काम शुरू करना, तो अभी इसी बीच में जब लॉकडाउन का पीरियड था तो हमको प्रेजेंटेशन किए हुए थे तो ये बात हो गई थी अगर ये ख़त्म होगा तो चल के देख लें, ताजी ही देखने आ गए। अभी सब काम भी तो होना चाहिए, एक तो कोरोना की बात अलग लेकिन बाकी सब काम भी तो हम लोग डेवलपमेंट करते ही हैं और लोगों को काम करने का अवसर भी मिलना चाहिए, तो ये सब। लेकिन हम आप सब लोगों से प्रार्थना करेंगे कि सबको जरा मास्क कहिए, वो बहुत ज़रूरी है, वो किए रहेंगे तो इस पर असर कम पड़ेगा। कल हम ऐसे ही एक न्यूज़ देखिए कि साहब छूट दे दी गई है, तब फिर कहीं कहीं कुछ अपने राज्य में नहीं दूसरे राज्य के बारे में, तो हमको तुरंत चिंता हुई, हमने कहा कि तो चल करके हमको अपने यहाँ देखना चाहिए कि जरा भी कोई इसका उल्लंघन न करे। तो इसी के लिए लालू जी को बधाई देंगे आज उनका चौहत्तरवां जन्मदिन, हमारी हम तो सब दिन बधाई देते हैं। बारे में आप देखे होंगे कि इस एरिया में
कैसे जो भीड़ भाड़ रहता है और रेलवे स्टेशन, तो इसके लिए लोग आते जाते हैं, तो उनके वाहनों के लिए और कई प्रकार की समस्याएं होती हैं। और ये पूरा का पूरा इलाका खाली था, यहाँ पर अच्छा बिल्डिंग बनाना है और ठीक ढंग से, ताकि लोग आने जाने वाले उनको भी सुविधा हो, उनके गाड़ी की पार्किंग की भी व्यवस्था हो जाए। और आप सामने देख रहे हैं कि हम लोगों ने जब से किया ही, जब साथ सी तभी से बनवाया, लेकिन कोई पार्किंग का इस्तेमाल ही नहीं कर रहा है। तो उसके ऊपर भी हम लोगों ने कहा है कि अगर आप अच्छे ढंग से करिएगा, भोजन आदि का भी प्रबंध ऊपर कर दीजिए, नाश्ता का इस तरह का भी कर दीजिए, तो हो सकता है। तो इसके बारे में हम लोगों ने बैठ करके रिव्यू मीटिंग की थी और वही इन लोगों ने तैयार किया। तो ये बात हो गई थी कि साइट पर फिर चल के देख लेंगे, तो अब ठीक बनाया इन लोगों ने। पहले आए थे उस समय भी कहा था कि इसको ऊपर से भी जोड़ने का और नीचे से सीधे रेलवे स्टेशन तक को जोड़ने का, तो वो सब बात हुई थी। तो देख लिया, अब ठीक बनाया है, अब उस डिज़ाइन पर बनेगा। तो वो जो एरिया है आपका खाली देख रहे हैं किनारे में, उन सब जगहों पर बहुत अच्छा बिल्डिंग बनेगा, कई तरह के इंस्टीट्यूशंस भी होंगे, कई तरह की चीज़ें होंगी, या जो लोग भी कोई व्यापार करते हैं उनके लिए भी सुविधा हो सकती है। इन सब बातों पर ही लोग काम करते हैं। अनलॉक शुरू हो गया सर, अब सब, कल ही आपने कहा था कि लोग मास्क लगा लगाएं। देखिए, कल हम देख करके चले आए एक एरिया में, एक आध एरिया हम दूसरे दिन भी जाएंगे, तो हमने देखा कि भीड़ ज़्यादा नहीं है। हम सीधे जा रहे थे और वो दानापुर साइड में, वही सब देख करके हम आए, लेकिन हमको थोड़ा कुछ लोग लगते थे कि मास्क नहीं पहने रहते थे। हालांकि जिनकी नज़र पड़ती थी उनको हम ऐसे इशारा करते थे, लेकिन हमने देखा कि भाई लगी और सब लोगों को इसके लिए प्रेरित करें, क्योंकि बहुत ज़रूरी माइक्रो का ये चले नहीं है। हाँ, माइक्रो का ये।